बाकी कोई नहीं चाहिए, सर पीछे रुक जाइए। चलिए मैम Sharina's designed my clothes. A very happy meeting you. Thank you very much. You're looking absolutely superb. Thank you. I've been missing you so much कि आप मिल ही नहीं पा रहे थे हम लोगों से. Yeah, यार मैं I've been busy. हमारा बस आखिरी दो दिन रह गया है. हमारी फिल्म का आनंद राय के साथ तो इंशाल्लाह कल परसों ख़त्म हो जाएगा. सो यू हैव बीन ट्रैवलिंग फिनिशिंग दैट ऑफ एंड अब मैं यहीं रहूँगा, दो दिन में ख़त्म हो जाएगा. यार वो आनंद राय साहब ही करेंगे, अभी तो हम सब लोग काम में मसरूफ़ थे. कल परसों हमारी शूटिंग आखिरी है, फिर उसके बाद पैच वर्क रह गया था थोड़ा सा तो वो ख़त्म करूँ. तो फिर आनंद सर ही, वो मुझे बोलते हैं इस फिल्म के बारे में सिर्फ मैं बात करूँगा, तुम मत करो. तो मैं बात बिल्कुल नहीं करूँगा, वही करेंगे. यार मुझे जेन्युइनली मालूम, सारा कुछ जो है कलर येलो कर रहे हैं. द होल क्रिएटिव एस्पेक्ट ऑफ द फिल्म इज हैंडल्ड बाय कलर येलो. तो थोड़ा मुश्किल है बिकॉज ऑफ द विजुअल इफेक्ट्स, हर चीज़ में वक्त लगता है. सो यू नो इट्स नॉट लाइक अ रेगुलर फिल्म कि आज डिसाइड किया परसों बन गया. तो हमने डिसाइड किया हुआ है, लेकिन कब तक बन के तैयार हो जाएगा वो आनंद सर और उनकी टेक्निकल टीम को मालूम है, विजुअल इफेक्ट्स एक्चुअली को मालूम है. सो वो लगे हुए, कोई मुझे भी पता नहीं है कब है. मैं एक्चुअली मैंने उससे अपने आप को बाहर रखा हुआ है यार, बिकॉज जो मुझे काम करना पड़ता है फिल्म में वो बहुत इंजॉयबल है लेकिन बहुत टाइम कंज्यूमिंग है. तो इसलिए मैंने कहा मैं इससे दूर रहता हूँ क्रिएटिव एस्पेक्ट से और मार्केटिंग से. आपकी वीडियोस देखते रहते हैं हम, आप इंस्टाग्राम वगैरह पे काफ़ी, आप उसी के जरिए आजकल हम लोग इंटरेक्ट कर मतलब देख पाते हैं. हाँ यार, मेरे को सब बोलते हैं ऐसे इंस्टाग्राम पे कुछ कर दो, बहुत दिन हो गए क्या वो इंस्टाग्राम स्टोरी डाल दो. So, मैं वो प्रैक्टिस कर रहा हूँ, अभी मैंने सीख लिया है, पूरा नहीं सीखा लेकिन मैं कर रहा हूँ. शायरी वगैरह भी मतलब आती कई बार ऐसा बताते हैं. शायरी नहीं, वो नॉर्मल होगा, शायरी साउंड करता होगा मेरे से. जैसे कि हमने लिखा था उन परिंदों को रोकना छोड़ दो जो हमारे यहाँ लौट कर आएंगे, समथिंग लाइक दैट. मैंने लिखा? यस सर, मैंने लिखा था. तुमने लिखा? नहीं सर, आपने लिखा था, मैंने लिखा था. देखा था आपने, लिखा था इन्हें देखा था. नहीं भाई, किसी और का देख रहा, किसी और का. थैंक यू, इवेंट इवेंट इन दिस ईयर वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू. आई टू बी ऑनेस्ट आई लुक फॉरवर्ड टू दिस वोग. आई वांट टू थैंक जो इस वोग के कर्ता धर्ता हैं, प्रिया और अनायका. और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझको उन्होंने ऐसे अल्टीमेट क्या अल्टीमेट मैन ऑफ द डेकेड अवार्ड दिया है, जिससे मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है. और उन्होंने मेरी बेटी को वोग के कवर पे डाला जो नेक्स्ट है, तो मेरे लिए बहुत अच्छा मोमेंट है. और मेरे बच्चों के लिए बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इतनी बड़ी इतना बड़ा प्लेटफॉर्म उनको मुहैया है, उनको दिया गया है. सो उनको और भी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑब्वियसली जितने भी ऑल द चिल्ड्रन जो फिल्म इंडस्ट्री से हैं उनको कुछ ना कुछ एंटाइटलमेंट मिलती है क्योंकि वो फिल्मों के कलाकारों के बच्चे हैं. बट आई थिंक इफ़ यू आर एबल टू गिव देम रिस्पॉन्सिबिलिटी दे विल डू बेटर. सो आई एम वेरी हैप्पी दैट वोग हैज़ बीन सो काइंड. खान साहब, बॉलीवुड में काफ़ी शादी का सीन है, तो काफ़ी सेलिब्रिटीज़ की शादी होने वाली है, आप उस पर कुछ कहना चाहेंगे? जैसे हाल ही में मैं भी कर रहा हूँ, मैं जरूर तुमको मैं न्योता भेजूंगा. मैं हाँ, मेरा कार्ड आएगा रिसेप्शन और ना मेहंदी पे जरूर आना, ठीक है?